और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 135वें स्थापना दिवस पर शनिवार को जिला कांग्रेस के नेताओं द्वारा संविधान बचाओ भारत बचाओ संदेश के साथ फ्लैग मार्च निकालकर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकार की घेरेबंदी जारी रखते हुए ये साफ संदेश दिया है कि मोदी शाह की विनाशकारी नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी अब पीछे हटने वाली नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने सर्वप्रथम जिला कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस मुख्यालय पर झंडोत्तोलन कर हाथों में पार्टी झंडा लिए फ्लैग मार्च निकाल मोदी शाह का विनाशकारी जन विरोधी संविधान विरोधी देश को तोड़ने वाला CAA NPR व NRC जैसे काले कानून को देश के गरीबों दलितों व अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाला कानून बताया। जिला कांग्रेस मुख्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता फ्लैग मार्च कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लहरिया सराय टावर गांधी स्मारक पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। जिलाध्यक्ष श्री चौधरी ने मोदी सरकार पर घटिया मानसिकता से राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का असली मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए मोदी शाह लोगों को लड़ा रहे हैं। प्रदेश जनप्रतिनिधि पंडित राम नारायण झा, पालन चौधरी, जीवन झा, अरुण कुमार झा, राम पुकार चौधरी एवं तमाम कांग्रेस के नेता एक साथ एक सुर में आवाज उठाया। 135वां स्थापना दिवस के अवसर पर हमने इस देश को आजादी करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अंग्रेज को भगा के हमने देश को आजाद किया। आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में जो एक संविधान के माध्यम से शासन चलाने का जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिला था, आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान कुठाराघात कर रहे हैं, संविधान को कुचल रहे हैं, यहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। इसके बरखिलाफ कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस के अवसर पर ये फ्लैग मार्च निकाल के आम लोगों को केंद्र सरकार के बरखिलाफ, इस कानून के बरखिलाफ जागरूक करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। कुर्बानी की पार्टी है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ के विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों को भगा करके देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज इतनी कुर्बानियों के बाद राजीव गांधी शहीद हुए, श्रीमती गांधी इंदिरा गांधी शहीद हुई, जवाहरलाल नेहरू जी देश को नई दिशा और दशा दी। आज ऐसे देशभक्त को, ऐसे देश के अन्यायी को उन्होंने जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान के साथ एक नई आजकल सगुफा छोड़ी गई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उन्होंने देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है और वो जो होता है बरसाती मेंढक, उसी के तरह कुछ नहीं देश में बचा है। गलत सगुफा दे करके वो सरकार में आई। आज बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, वित्तीय दर घट करके सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया है, बैंक घोटालों बाजों की सूची लंबी फहरिस्त है, महिलाओं के साथ 5 साल की बच्ची से लेकर के और महिलाएं और लड़कियों के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला करके फेंक दिया जाता है। देश में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ झूठी 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 रात में उनके जो पढ़े लिखे गुर्गे हैं वो रात में झूठ लिखते हैं और सवेरे मोदी जी उस झूठ को पढ़ते हैं और एक बार किसी झूठ को सत्य साबित करने के लिए बार बार उस झूठ को मंच पर पढ़ते हैं। कुछ नहीं बचा है, देश को बर्बाद करने के कगार पर है। उसी संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जनों ने 135वां स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लिया है और फ्लैग मार्च निकाला है कि देश के संविधान को जो छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी की चोरी, और उसको बचाना है। कांग्रेस पार्टी का जो नीति है उसको बचाना है, बेरोजगारी दूर करना है, इसी के तहत आज 135वां स्थापना दिवस मनाया गया है।